जीना और मरना एक सच है जिसे हर कोई जानता है। जिसने जन्म लिया है उसे कभी ना कभी मरना ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान की मौत अचानक से भी हो जाती है। वो अपनी उम्र से पहले मर जाता है, जिसे हिंदू धर्म में अल्पायु या अकाल मृत्यु कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु के बाद इंसानों के साथ क्या क्या होता है? बता दूं कि धरती पर प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है और हर दिन कोई न कोई जन्म भी लेता है। लेकिन हाँ, हर इंसान को मोक्ष भी नहीं मिलता। उनमें से कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो सदियों तक धरती में ही रह जाती हैं। इन सब के पीछे की वजह है उनकी अल्पायु या फिर अकाल मृत्यु। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग दुर्घटना या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस तरह की मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है, क्योंकि वो अपनी तय उम्र से पहले धरती को छोड़कर चली जाती है। अकाल मृत्यु वो हालात हैं जब इंसान का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही रह जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अकाल मृत्यु या अल्पायु के पीछे क्या वजह है और उसके बाद इंसानों की आत्मा का क्या होता है? उससे पहले जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। देखिए, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में जिक्र मिलता है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या फिर जहरीले पदार्थ सेवन करने या फिर पानी में डूबने से अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में ही रखा जाता है। बता दें कि अकाल मृत्यु किसी वजह से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो। ऐसे में इंसान यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो ये इंसान बच गया होता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ प्रभु से पूछते हैं कि जब वेदों में इंसानों की उम्र 100 साल तय की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। तब भगवान जवाब में कहते हैं कि ये सच है कि वेदों में इंसान की उम्र 100 साल तय की गई है, लेकिन इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मौत तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसे धर्म करने की अनुमति नहीं देता। इसके साथ ही जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कामों को त्याग देता है तो धरती पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए वो अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। धर्म और वेदों का ज्ञान न होने की वजह से इंसान जान ही नहीं पाता कि वो कब गलत काम करता चल रहा है। आखिर अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु आगे ये भी कहते हैं कि इंसान के जीवन के 7 चक्र तय हैं। ऐसे में अल्पायु को प्राप्त होने वाले जो इंसान इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से इंसान की इच्छा और कामना बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में इंसान का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस हालात में अकाल मृत्यु होने वाली आत्माएं अपने घर वालों को परेशान पहुंचाती हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने की भी कोशिश करती हैं। बता दें कि गरुण पुराण में ये भी बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले व्यक्तियों को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु के बाद आत्मा पहले भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकती रहती है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इस पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। इसके बारे में श्री हरि ने आत्महत्या को परमात्मा की अपमान करने का समान अपराध बताया है। ऐसे जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नर्क लोक की। जीवात्मा की अवस्था को अगति कहा जाता है। और तो और इस पुराण में ये भी जिक्र है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई नव युवती स्त्री को अकाल मृत्यु होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, तो जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तब वो देवी योनि में भटकती रहती है। इन सब के अलावा इस पुराण में अकाल मृत्यु के चलते मृत आत्मा की शांति प्रदान के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि इस तरह की मौत को प्राप्त करने वाले आत्मा द्वारा उनके परिवार वालों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए और साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, दान पुण्य या गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये सभी काम कम से कम 3 सालों तक करते रहने चाहिए। ऐसे के साथ ही वर्षा आने पर भूखे ब्राह्मणों, अनाथ बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके।